नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी जारी है। पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, और आपको बता दें कि हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले जो है कांग्रेस राज्य में बीजेपी की सरकार के अल्पमत में होने का राग अलाप रही है, जिस पर सीएम का कहना है कि विपक्ष झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का दल बदल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बीच सरकार के विकास के काम भी लगातार जारी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल और दयालु योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की, और कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा राशि बांटी गई है, और किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान किसान या गरीब को हुए नुकसान के समय जो है सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और इसी दौरान सीएम ने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने पर भी बयान दिया, और कहा कि इस परिवार ने कई साल कांग्रेस और हरियाणा को मजबूती प्रदान की, और अब जो है ये पूरा परिवार बीजेपी के साथ आया है, जिससे बीजेपी को भी आने वाले चुनाव में मजबूती मिलने वाली है। कार्यक्रम की खास बात तो ये रही कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी ने पहली दफा मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। अब क्योंकि कुछ ही महीने विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां भी फुल चुनावी मोड में नजर आ रही हैं, और सरकार को घेरने का जो है कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती हैं। और इस बीच अभय चौटाला ने सरकार को घेरने की कोशिश की, और फरीदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि रीजनल पार्टियों को लोकसभा में भेजना चाहिए, न कि नेशनल पार्टियों को। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मदद की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पार्टियां चुनाव में कितनी मजबूती के साथ उतरने वाली हैं और कितनी तैयार हैं। इस खाद के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो मेरी सरकार वहन करेगी, और उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों लगातार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है भाइयों। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि यह मोदी की सरकार यह किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा कितना तैयार है, ये चर्चा का विषय है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जानना ये भी जरूरी है कि मुद्दे क्या क्या इस बार पार्टियों के रहेंगे, क्षेत्रीय जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, पार्टियां आखिर कितनी तैयार हैं और किस तरीके के दावपेच इस बार चुनाव में रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि कुछ मुद्दे आजकल हरियाणा की राजनीति में प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक तो अल्पमत का मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कुछ नेता इस बीच बीजेपी में शामिल हुए हैं उसको लेकर के लगातार जो है एक तरीके से राजनीति भी हो रही है और वार पलटवार भी हो रहा है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से जो है अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस को घेर रही हैं, तो वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि मजबूती किरण चौधरी और उनके परिवार ने इससे पहले हरियाणा को और कांग्रेस को दी थी, और अब वो बीजेपी को मजबूती देंगी, ये कहना है बीजेपी का। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। वैशाली तोमर जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वैशाली जी आप ही से लेना चाहूंगी, कुछ ही समय बाद चुनाव है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार के इस बार मुद्दे क्या है, क्या कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिन पर सरकार इस बार चुनाव लड़ने वाली है। और दूसरी बात ये कि आज हमने मुख्यमंत्री को देखा, उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल वाला जो कार्यक्रम था और साथ ही दयालु योजना थी उसके तहत जो है कई सारे चेक और एक तरीके से ऑनलाइन जो है लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम किया, तो इससे क्या
सरकार का विजन क्या है आगे किसानों को लेकर के, क्योंकि इस बार बड़ा मुद्दा रहा किसानों को लेकर। जी नमस्कार। जी वैशाली जी, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी है। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए, ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है ओंकार सिंह जी आप तक? हाँ जी आ रही है। ओंकार सिंह जी, कुछ समय चुनाव को जैसे कि रह गया है, हम लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं अपने डिबेट्स के माध्यम से कि इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं। इनेलो के मुद्दे भी जानेंगे, लेकिन इस बीच अभय चौटाला ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो है संसद में लोकसभा में रीजनल पार्टियों को जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगर 5 सीटें आई हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो बार बार इस तरीके के आरोप या इस तरीके का बयान क्या इशारा करता है या क्या बताना चाहती है इनेलो? बिल्कुल सही कहा अश्विनी चौटाला जी ने कि संसद में रीजनल पार्टीज को जाना चाहिए, क्योंकि रीजनल पार्टीज ही क्षेत्र का दर्द समझ सकती है। रीजनल पार्टी वास्तविक समस्याएं जो क्षेत्र की है उसको संसद में उठा सकती है, वहां के लोगों की समस्याएं संसद में उठा सकती है, ताकि उन समस्याओं का निदान हो और क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके। इसलिए रीजनल पार्टीज का संसद में जाना बहुत जरूरी है। अब आपने पूछा कि विधानसभा चुनाव सामने है, इसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? तो ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को 10.5 साल हो गए, 3 महीने मात्र देश शेष है, 3 या 4 महीने। अब ये किसी ने अकील तरीके जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है, नई नई योजनाओं के तरीके ये उद्घाटन करना, ये तो पुरानी बातें हैं। जब भी कोई सरकार आखिरी समय में आ जाती है, उद्घाटन करके जनता को फरगलाने की कोशिश करती है, और यही मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। और कहा जा रहा नायब की नायब सौगात, ऐसी कौन सी सौगात है, कौन सी अपना घर से दे रहे हैं, ये तो सरकार का पैसा है। और दूसरी बात, आज आपने मुद्दों की बात करी, देखिए बहुत बढ़िया बात है। आज मुद्दे देखिए कितने हरियाणा के अंदर, सारे मुद्दों को छोड़ दीजिए, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो इस सरकार की कफल में आखिरी कील साबित होंगे। परिवार पहचान पत्र में कितनी समस्याएं हैं, जिन लोगों की पेंशन काट दी गई है वो अपनी पेंशन लगवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, कोई नगर निकाय विभाग में, कोई एडीसी विभाग में, कोई सुनने वाला नहीं। और परिवार पहचान पत्र में जो बेटे की आमदन है वो पिता की आमदन में जोड़कर पेंशन काट दी गई है, सबनेट आईडी बनती नहीं है, आयुष्मान कार्ड परिवार पहचान पत्र से मिलता है, आयुष्मान कार्ड बनता नहीं है, और जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उन लोगों के आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहे हैं, चाहे सिविल अस्पताल चले गए या निजी अस्पताल चले गए, वहां यही जवाब आता है कि आयुष्मान कार्ड का पोर्टल बंद पड़ा है। और निजी अस्पताल वाले कहते हैं कि हमारी पिछली पेमेंट नहीं आई, आगे क्या करेंगे। इसके साथ साथ पीले का राशन कार्ड जो कट चुके हैं, जनता बहुत परेशान है। आप ये देखिए ज्योति जी, परिवार पहचान पत्र 82 लाख लोगों के बने, सारे के सारे गलत, और प्रॉपर्टी आदि 47,50,000 लोगों की बनी, सारे प्रॉपर्टी धारक इन्होंने लाइन में लगा दिए। आज आपने भी देखा होगा, चाहे जितने मर्जी कैंप लगा ले, ओंकार सिंह जी इस बीच आज आपने देखा होगा, और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, मामले, प्रॉपर्टी, सारी समस्याएं देखिए, और इन सब समस्याओं का एक गुरु है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो एक बार मुझे बता दीजिए। ओंकार सिंह जी आवाज पहुंच पा रही है? एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी, आज समय की पाबंदी है। देखिए क्षतिपूर्ति पोर्टल और दयालु योजना के तहत आज जो लाभार्थियों को सीएम ने राशि बांटी है उसके बारे में भी एक टिप्पणी चाहूंगी। आपने कहा कि पोर्टल के माध्यम से जो है सही तरीके से सुविधाएं नहीं पहुंच रही, तो आज जो वितरण हुआ लाभार्थियों को या फिर किसानों को कहे जो मुआवजा दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे, छोटा सा कमेंट। फिर से पूछा ज्योति जी? जी आप ही से पूछा, आपने कहा ना कि जो परिवार पहचान पत्र, ये तो पोर्टल, ये तो पहले ही सुनी सुनी, ये किसानों को जो लाभार्थी की योजना है मात्र 2,000 रूपये देते हैं एक बार में, 6,000 रूपये साल है, अगर इसको दिन में डिवाइड करो तो कितने पैसे निकलेंगे? ये तो पहले भी ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई नई योजना नहीं है, इस योजना का लाभ लेके कहीं सरकार बनाने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, वैशाली जी से इस पर रिएक्शन ले लेती। वैशाली जी, आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जो है जो मुआवजा था एक तरीके से, जो किसानों का लॉस हुआ था उसके तहत राशि देने की बात कही, लेकिन उस पर विपक्ष क्या कह रहा है वो भी आप सुन रही हैं। उनका कहना है कि ये विफल योजनाएं हैं और जो ये 2,000 रूपये बांटे जा रहा है वो तो दिन के हिसाब से कुछ भी नहीं निकलता है। वैशाली जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी, अभी मुझे आपकी आवाज आई, बीच में शायद टेक्निकल कोई फॉल्ट है, बीच बीच में आप देखिए। आज हमने देखा, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ, आज हमने देखा मुख्यमंत्री ने जो है कई सारे जो
जिन लोगों का फसली नुकसान हुआ था उसके तहत मुआवजा दिया, बांटा उन्होंने, उनके अकाउंट में सीधे राशि डाली। लेकिन इसको लेकर के जो अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि भाई ये कोई नई योजना नहीं है, जो 2,000 रुपए आप दे रहे हैं दिन के हिसाब से कुछ नहीं बनता, लेकिन कुछ प्रमुख समस्या है जो जिनको इस बार वो प्रमुखता से उठाने वाले हैं आने वाले चुनाव में। देखिए, जो नयाब सैनी सरकार है, जो माननीय तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है ज्योति जी, उसमें बहुत सारी योजनाएं, ये सच कहा उन्होंने कि बहुत सारी, ओमकार जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की पहले से चली हुई हैं, लेकिन वो योजनाएं जनता के हित के लिए हैं, इसलिए चली हुई हैं। आप एक व्यक्ति से पूछिए कि जब उसके खाते में पेंशन के, गरीब महिला से पूछिए, जब उसके खाते में पेंशन के हर महीने 3,000 रुपए जाते हैं, वो 3,000 रुपए उसकी उस गरीब आजीविका में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक किसान के खाते में जो पहले नहीं जाते थे, अरे महिलाओं को सर, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का बहुत काम कर रही है। अब वो अल्पमत के मामले में भी यही कह रहे हैं हरियाणा में, चाहे देशभर में बात करें तो अन्य मुद्दों पर भी यही कह रहे हैं कि आपने भ्रम फैलाने का काम किया है। कौन सा भ्रम, आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सा भ्रम की बात कर रहे हैं अभी हरियाणा में तो अल्पमत के मुद्दे पर कह रहे हैं। नहीं जी जी, हाँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ, ये भाजपा के नेता कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि जब ये चुनाव जिस तरह से इनको नतीजे जनता ने दिया है, तो उसके बाद से इन्होंने तमाम ये बयान देने शुरू कर दिए कि कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, उसकी वजह से उनको ये नतीजा है। आप कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं? संविधान की जो हम बात कर रहे थे जनता के बीच में जाकर, तो संविधान के लेकर तो उनके नेता के बयान थे, हमने तो उन बयानों को दोहराया था, जनता को बताया था। या कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं? किसानों को लेकर, किसानों को किस प्रकार से हरियाणा के मंत्री के बयान से किसानों को लेकर किस प्रकार से उन्होंने किसानों को क्षति पहुंचाने की काम किया है, किस प्रकार से हमारे किसान शहीद हुए, हमने वो किसानों को जाकर बात रखी है, तो उस भ्रम को बात कर रहे हैं? ये कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं? जो उन्होंने तमाम वादे किए थे, जो कि चाहे वो बात हो 15 लाख रुपए देने की, चाहे वो बात हो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की, आज तक वो जनता को डिलीवर नहीं कर पाए। किस प्रकार से उन्होंने 300 रुपए के सिलेंडर की बात की थी, लेकिन आज सिलेंडर का भाव क्या है? तो ये जो इनके जुमले थे वो हमने जनता के बीच में रखे, वो इस भ्रम की बात कर रहे हैं? तो कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं? और रही बात अनमत की बात, तो हमने हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कल ही राज्यपाल से मुलाकात की है, और हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है, और हमने कहा है कि जो भाजपा की सरकार है वो भी अल्पमत में है, और हम तो उनसे कह रहे हैं, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि अगर इनके पास जो आंकड़ा है अगर वो पूरा है तो वो बताएं कौन कौन से इनके साथ विधायक शामिल है, तो वो सूची अभी बता नहीं पा रहे। और हम यही चाह रहे हैं कि हम कोई अल्पमत में नहीं, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, तो नाम बताए ना। वो तो कह रहे हैं कि अपने विधायकों की परेड करवाओ पहले, आप जो जो आपको लग रहा है कि आपके समर्थन में है उनकी तो परेड करवाइए, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने, आज भी ये कहा है। नहीं देखिए, इस पर हमारे जो सीएलपी लीडर है हुड्डा साहब, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि सबसे पहली चीज तो एक तो भाजपा बताए कि उनके पास कौन कौन से विधायक हैं जो उनके साथ समर्थन में है, और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि हम ये चाहते हैं कि किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से भाजपा जो है वो विधायकों को गठजोड़ करके जोड़ती है, तो उससे किस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण होता है, तो ये चीज ना हो तो इस वजह से। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपका जवाब, मैं समझ गई बात साहब, मैं लौटूंगी वैशाली जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बस एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तो वैशाली जी ने एक बात कही थी कि पहले की जो योजनाएं चली आ रही हैं कहीं ना कहीं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छी थी, जनता के लिए काम कर रही थी, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था भी ओंकार जी के जो बयान थी उस पर। तो कहीं ना कहीं ये मानती है कि पुरानी जो सरकारें रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी, हुड्डा जी की सरकार रही थी, कहीं ना कहीं वो जनहितैषी सरकार थी जिसने जनता के लिए काम किया है, जिसका मजबूरन आज उनको उसको जारी रखना पड़ रहा है। और असल बात ये कि आज वही सरकारी योजना ही है जो कि कांग्रेस के समय की थी, जो कि आज। लेकिन मैं जितना समझ पा रही हूँ, मुझे लगा कि वो ये बात कर रही थी कि मनोहर लाल की सरकार से जो चला आ रहा था वो नायब सैनिक सरकार में जारी है। खैर वो उन्हीं से जान लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगी। वैशाली जी,
जी मैंने तो साफ साफ कहा कि कम जो कम, जैसे ओमकार जी ने कहा कि जनता के पैसों को ही तो दे रहे हैं, कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं नायब सैनी जी। अगर इस तरह की योजनाएं नायब सैनी जी निकाल रहे हैं तो जनता का पैसा दे रहे हैं जैसा कि ओमकार जी ने कहा, तो मैंने उन्हीं की बात का जवाब दिया कि हाँ ये बात सच है कि जनता के टैक्स के पैसे से जनता का संरक्षण हो रहा है, जनता का संवर्धन हो रहा है, जनता की सुरक्षा हो रही है, जनता को सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है, जनता को स्वावलंबी बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो पहले की सरकारें थी, आप मेरी बात सुनिए, बस की बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो गज के प्लॉट के लेकर तो वो योजना थी, वो हुड्डा जी की सरकार की योजना थी, उसको वो जारी रखने की बात कर रहे, कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि वो नहीं। तो सुन तो लीजिए उनका स्पष्टीकरण तो सुन लीजिए, उसके बाद आप ही के पास लौट रही हूँ वैसा लीजिए। लेकिन जो पहले की सरकारें थी वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए योजनाएं चलाते थे और वो योजनाएं कभी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अगर वो योजनाएं पहुंचती तो घर घर बिजली क्यों नहीं थी, क्यों शौचालय नहीं थे, क्यों लोग लोटा लेकर उठाकर लेकर चलते थे, क्यों गरीबों के घर पर छत नहीं थी, क्यों नहीं थी बताइए आप। आपने देखा कोरोना काल में भी किस तरह से लोग सड़कों पर आए, किस तरह से उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने हमें किस तरह से हमें सुरक्षित किया है, किस तरह से दवाइयां घर और हर चीज हमें कोरोना काल में भी तक भिजवाया गया है। तो जो पहले की सरकारें थी, पहले की सरकारों में नहीं इतना काम हुआ, ये बात सच है। मैं इस बात को कहती हूँ, जब भी कोई सरकार बनती है उसे कुछ ना कुछ काम तो जनता की बेहतरी के लिए करना ही पड़ता है, नहीं तो जनता जागरूक है और जनता उस बात का जवाब देती है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले के समय में, अभी के समय में आप देखिए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर आप आज कुछ बोलिए जरा सी देर में वायरल हो जाता है। पहले इस तरह की सरकार नहीं थी। जब 47 में देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब भी चुनाव नहीं हुए थे, एक कार्यवाहक के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। आज तीसरी बार लगातार देश की जनता ने विश्वास दिखाया, देश की जनता ने प्रेम दिखाया, देश की जनता ने मोदी जी की नीतियों को सराहा है, अपनाया है, लौटूंगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, लौटूंगी, लेकिन मेरा सवाल अब ओंकार सिंह जी से है, व्हाट्सएप लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, आपने ये जो पोर्टल वाली बात कही, चाहे पहचान पत्र की बात कही, चाहे आयुष्मान की बात कही, अगर आप इस पर इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि किसी काम की नहीं है, लाभ नहीं पहुंच रहा, तो आपके हिसाब से इसका विकल्प क्या होगा या आप क्या इसका विकल्प सोचते हैं? योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को मिलना जरूरी है। इन्होंने जितनी भी योजना बनाई, इन्होंने जनता को अयोग्य बनाने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री 5 करोड़ अनाज तो मात्र 100 रुपए का, उस 100 रुपए के पीछे जनता को अयोग्य क्यों बना रही है? इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, और ये मेरी बीजेपी के प्रवक्ता साथी बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, आज जिस लेवल का भ्रष्टाचार हरियाणा सरकार में है आज तक नहीं हुआ। आप चाहे तहसील में चले जाओ, पुलिस स्टेशन चले जाओ, बिजली बोर्ड चले जाओ, नगर निकाय विभाग में चले जाओ, दलाल बैठे हैं, दल्ले बैठे हैं लूटने के लिए, कुछ नहीं समझ आ रहा इनको। लेकिन इनको देखना पड़ेगा। आज एक बात और कहूंगा, आज अलग मत की सरकार है, लेकिन हुड्डा साहब अगर अलग मत की सरकार है, बीजेपी को बार बार कह रहे हैं कि बताइए आपके साथ कौन कौन है, तो हुड्डा साहब फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करवाते? हुड्डा साहब को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कितने विधायक बीजेपी के पास है, कितने कांग्रेस के साथ है। उनका ये कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है, हुड्डा जी की बात कर रही हूँ मैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, इसलिए आप सीधे विधानसभा भंग करवाइए। इसका मतलब उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस नंगा हो जाएगी, कौन कौन से विधायक कांग्रेस के साथ है, कौन से कह रहा है, पता लग जाएगा। ये उनका अपना डर है हुड्डा साहब का कि फ्लोर टेस्ट नहीं कराने। चलिए ठीक है, वत्स साहब, क्या आपको अपने विधायकों पे ट्रस्ट नहीं है? ये ओंकार सिंह जी का सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एकजुटता के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि बीते दिनों जैसे किरण चौधरी गई, श्रुति चौधरी गई, तो ऐसे में आगे ऐसा ना हो, आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इस पर? सबसे पहले मैं भाजपा की प्रवक्ता का कुछ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बात कही कि सोशल मीडिया का जमाना है, इस वजह से आज सब कुछ आ जाता है।
मैं समझता हूँ हाँ सही में सोशल मीडिया का जमाना है, और इस वजह से किस प्रकार से आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री से नीट की परीक्षा पर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब देने की बजाय कहा कि सब कुछ योग में है, आज पूरा भारत योग में। उनसे फिर सवाल पूछा गया कि आज नीट की परीक्षा की वजह से 24 लाख बच्चों का आज भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ, उन्होंने फिर कहा कि आज पूरा देश योग में है। तो आज सोशल मीडिया का जमाना, इस वजह से हम सबको आज भाजपा के किस प्रकार से क्रूर मंत्री है जिनको 24 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, तो उसका हमें आज जवाब मिल रहा है। जो ये बात कर रही है, कई ऐसी योजना जो थी जो कि कांग्रेस के समय पे चलाई गई थी, लेकिन भाजपा ने जो इन्होंने तमाम इतनी सारी बात की कि लोटा है लोटा लेकर चलते हैं कोरोना के समय पे, मैं आपको ऐसी कई योजना के बारे में बताता हूं जो कि कांग्रेस के समय की थी, जिसको सिर्फ भाजपा ने क्या किया है, नाम बदलने का काम किया। नहीं तो भाजपा ने इन बीते 10 सालों में एक नई योजना वो लेकर जनता के बीच में नहीं आ पाई है। चाहे वो किस प्रकार से बात हो, हमारे 2013 में निर्मल भारत अभियान है था जिसको उन्होंने नाम बदल के स्वच्छ भारत अभियान कर दिया था। हमारे यहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी जिसका उन्होंने नाम बदल के मेक इन इंडिया कर दिया था। हमारी चाहे वो बात हो किस प्रकार से इंदिरा आवास योजना थी, इसको नाम बदल के उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया था। ठीक है, ऐसी इतनी सारी योजना थी, चाहे हमारी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की जो योजना थी उसको उन्होंने बदल के जनधन योजना कर दिया। तो उन्होंने कोई नई चीज नहीं की इन बीते 10 सालों में, उन्होंने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। और जो ये कोरोना काल की जो बात करी है ना, आज इस देश की स्थिति पता है, जो इन 70 सालों में कांग्रेस ने जो ये अस्पताल बनाए थे ना, एम्स हो चाहे कोई भी अन्य, हर जिले में एक बड़ा सरकारी अस्पताल की बात हो, ये उन्हीं की वजह से ही कोरोना काल में जनता को उपचार मिल पाया था। ये तो भाजपा की तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात को वत्स साहब, लेकिन उद्देश्य तो पूरा हो रहा है ना। अगर कांग्रेस का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना था तो उस योजना के माध्यम से लाभ तो पहुंच रहा है ना, इस बात को तो मान रहे हैं। वो तो कांग्रेस की योजना थी जो कि कांग्रेस की योजना क्या है, कांग्रेस भी तो लोगों को लाभ ही पहुंचाना चाहती होगी ना, इसमें कांग्रेस की क्या है, सरकार हाँ, आएगी तो आगे बढ़ाएगी। मैं आपको उदाहरण पर समझाता हूं। मैं समझ रही हूँ बस साहब, मैं जरूर आपसे जवाब लेती लेकिन समय की थोड़ा सा पाबंदी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां अपने जोरों शोरों का प्रयास लगा रही हैं और हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं, किसी तरीके से कोई मुद्दा छूट ना जाए इसलिए लगातार प्रयासरत है। तो आज के इस मसले में इतना ही, नमस्कार।